हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक बहुत ही प्यारा गाना सिखाने जा रहा हूँ माउथगन पे। बहुत ही पॉपुलर सॉन्ग है, शाहरुख खान का यह फिल्म था। तो मैं आपको इतने सिंपल नोटेशन दूंगा ताकि आप बहुत ही जल्दी विद इन 5 or 10 मिनट्स आप इस गाने को बजा सकें। जिन्होंने पहली बार माउथगन हाथ में पकड़ा है, जिन्हें माउथगन के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, वो भी इस नोटेशन को देखकर, इस लेसन को देखकर 10 मिनट के अंदर गाने को बजा सकेंगे, ठीक है। तो इस गाने को बजाने के लिए फ्रेंड्स, आपके पास कोई भी 24 होल्स का माउथगन होना चाहिए। अगर आपके पास ये टावर है तो चलेगा, अगर आपके पास इस तरह का कोई ट्रेमोलो माउथगन है, ठीक है, इस तरह का ट्रेमोलो का, ऑनर का हो, सुजुकी का हो, हीरो का हो, स्वान का हो, कोई भी 24 होल्स का माउथगन है तो आप बजा सकेंगे, ठीक है। तो गाना है, तुझे देखा तो ये जाना सनम, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम, ठीक है। ये गाना पहले मैं आपको बजा कर सुनाता हूँ, फिर आपको मैं कंप्लीट आपको इसका लेसन दूंगा ताकि आप इस गाने को बजा सकें, ठीक है। तो गाना इस तरह से है, ठीक है। ये मैंने टावर में बजाया, आप इस पर भी बजा सकते हैं, ये जो ट्रेमोलो है इसमें भी आप बजा सकते हैं, ठीक है। तो लेसन शुरू करता हूँ फ्रेंड्स, पहला लाइन है ये, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, ये मैंने यहाँ पे गाने का लिरिक्स लिखा हुआ है, ऊपर ये होल नंबर लिखा हुआ है, और ऊपर ये के मतलब खींचना है, वहाँ पर आपको सांस खींचना है, और पी मतलब आपको फूकना है, ठीक है। और नीचे सरगम में नोट्स दिया है, ये उनके लिए है जिन्होंने माउथगन थोड़ा बहुत सीख लिया है, जो सरगम बजाना जानते हैं, सारे गम पधनी सब जो बजा लेते हैं माउथगन पे, वो इनके लिए ये नोटेशन है। और जिन्होंने पहली बार माउथगन पकड़ा है हाथ में, उनके लिए ये होल वाला नोटेशन है, ठीक है। तो जिन्होंने पहली बार माउथगन को हाथ में पकड़ा है उन्हें बता दूँ, आप जो 24 होल्स का जो माउथगन है, देखिएगा यहाँ पे सी लिखा गया, आपको सी स्केल का माउथगन, जनरली बाजार में सी स्केल का ही अवेलेबल होता है ज़्यादातर, तो जहाँ पे सी लिखा है वो हमेशा आपको बाएं साइड रखना है, लेफ्ट साइड में, यानी कि जहाँ से मोटी आवाज़ निकलती है उसे आपको लेफ्ट साइड रखना है, जहाँ से पतली आवाज़ निकलती है उसको आपको राइट साइड रखना है, ठीक है। तो अब आपको होल नंबर गिन लेना है, यहाँ से देखिए 6 लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ से 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो आपको 6 नंबर होल में आके वहाँ पे क्या करना है, देखिए खींचना है, मैंने लिख दिया के मतलब खींचना है आपको दो बार, ठीक है। आपको खींच के 6 नंबर होल से गाने को शुरू करना है। आप दो बार खींचेंगे तो क्या निकलेगा, तुझे निकल जाएगा, देखिए इस तरह दो बार, मैं 6 नंबर में दो बार खींच रहा हूँ, ठीक है। आपको ये बता दूँ कि जहाँ पे जो ऑड नंबर्स होल्स होते हैं, ऑड नंबर मतलब जैसे 1 3 5 7 जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, वहाँ पे फूकना पड़ता है, देखिए। और जहाँ पे इवन नंबर होल्स हैं जो 2 से डिवाइड होते हैं, उसमें खींचना पड़ता है, ठीक है। ये हमेशा ये पैटर्न फॉलो होता है, ठीक है। तो आप यहाँ ना, तो 6 नंबर होल में आप दो बार देखा, आपको 6 नंबर से फिर आपको 11 नंबर होल में चले जाना है, ठीक है। ये आपको शुरुआत में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी 6 नंबर से 11 नंबर जाने में, लेकिन थोड़ी सी आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो 6 नंबर से आपको 11 जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। आपको एक अंदाज़ा हो जाता है कि यहाँ पे अगर 6 नंबर है तो बस 5 नंबर होल आपको शिफ्ट करके यहाँ पे आना है, ठीक है। तो 6 और 11 में देखा बच जाएगा, तो 10 नंबर होल में आपको खींचना है, ये 11 नंबर होल में आपको फूकना है, जाना आपको 6 और 10 में, 6 नंबर में अगर फूकना है फिर 10 नंबर में आपको खींचना है, सनम आपको 12 नंबर और 11 नंबर होल यूज़ करना है, 12 में आपको खींचना है फिर 11 में आके आपको फूकना है, इस तरह से देखिए। ठीक है, Thank you.
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हर एक वर्ड आप एक एक करके धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिएगा होल नंबर के अनुसार, और जब एक लाइन आपका पूरा हो जाए तब आप सेकेंड लाइन पर आ जाइए, ठीक है। ये सेकेंड लाइन है, सॉरी ये सेकेंड लाइन है। प्यार होता है दीवाना सनम, प्यार छः नंबर होल में आपको दो बार खींचना है, होता है छः में आपको खींचना है और फिर ग्यारह में आपको फूकना है, है दस नंबर होल में आपको खींचना है, दीवाना आपको तीन नंबर तीन होल यूज़ करने हैं, ग्यारह सात और दस, ठीक है। सनम आपको नौ और आठ, नौ में फूकना है आठ में खींचना है। तो पहला दो लाइन मैं आपको सुनाता हूँ बजा के, ये दूसरा लाइन हो गया, ठीक है। अब तीसरा लाइन, अब यहाँ से कहाँ जाएं हम, देख लीजिए अब ठीक है। अब छः नंबर होल में आपको खींचना है, यहाँ आठ और पाँच, आठ और पाँच नंबर होल आपको बजाना है, से छः नंबर होल में कहाँ आठ और सात आपको बजाना है, आठ में खींचना है सात में फूकना है, जाएं आठ और नौ आपको यूज़ करना है, आठ में खींचना है नौ में फूकना है, और हम आठ नंबर होल में खींचना है इस तरह से, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फोर्थ लाइन, तेरी बाहों में मर जाएं हम, ठीक है। तेरी आठ आठ होल नंबर आपको यूज़ करना है, और जो सरगम जानते हैं उन्हें आपको माइनस नी, माइनस मैंने क्यों लिखा है क्योंकि ये लोअर ऑक्टेव का आपको नी बजाना है, ठीक है, लोअर ऑक्टेव का नी, इसलिए मैंने माइनस लिखा हुआ है। तेरी बाहों में मर जाएं हम, बाहों में कैसे निकलेगा, दो और सॉरी पाँच और छः नंबर आपको यूज़ करना है, मैं आठ नंबर होल में आपको खींचना है, मर पाँच नंबर होल में आपको फूकना है, जाएं सात और आठ आपको यूज़ करना है, सात में फूकना है आठ में खींचना है, और हम आपको छः नंबर होल में खींचना है, ठीक है। इस तरह से ठीक है। उसके बाद फिर से एक नंबर से आपको रिपीट करना है, एक नंबर आपको फिर लाइन रिपीट करना है, फिर आपको दो नंबर जो है फिर से आपको रिपीट करना है, फिर आपको तीन नंबर रिपीट करना है, अब इस बार सेकंड बार जब आप रिपीट करते हैं तब ये लास्ट जो लाइन है ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ मैंने इसलिए पांच नंबर लिख दिया है क्योंकि आप जब सेकंड बार गाने को मुखड़ा जब फिर से रिपीट करते हैं तब ये लास्ट लाइन में तेरी बाहों में मर जाएं हम थोड़ा सा डिफरेंट है इस तरह से, तो पहली बार अब जब गाते हैं तब तेरी बाहों में मर जाएं हम का नोटेशन दूसरा है, और सेकंड बार जब आप मुखड़े को रिपीट करते हैं तब तेरी बाहों में मर जाएं हम इसका नोटेशन देखिए डिफरेंट है, ठीक है। तो आपको मैं दोनों दिखाऊं तो आपको पता चलेगा, देखिए पहली बार जब आप रिपीट करते हैं तो ये नोटेशन है तेरी बाहों में मर जाएं हम, और आप जब सेकेंड बार रिपीट करते हैं तब ये ऊपर वाला है तेरी बाहों में मर जाएं हम, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये हुआ लास्ट में आप तेरी बाहों के मर जाएं हम, जब सेकेंड बार रिपीट करेंगे तब आप इसे बजाएंगे। कैसे बजेगा, तेरी आठ और नौ आपको यूज़ करना है, बाहों दस और बारह यूज़ करना है, मैं आपको बारह नंबर होल में खींचना है, मर ग्यारह नंबर होल में फूकना है, जाएं नौ और दस आपको यूज़ करना है, हम ग्यारह नंबर होल में, और जब लास्ट में हम जो हम आप खींचते हैं तो नौ आठ और छः आपको बजाना है, नौ में फूकना है आठ में खींचना है छः में खींचना है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कैसा लगा मुझे बताइएगा वीडियो। एक बार मैं आपको जाते जाते पूरे गाने को फिर से सुना देता हूँ।
उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स। आपको कुछ भी पूछना है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। आप प्रैक्टिस कीजिए और अगर चैनल आपको अच्छा लगा, मेरा वीडियो अच्छा लगा, तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है? थैंक यू, बाय बाय।